दोस्तों आज मैं बताऊंगा 9/11 टेररिस्ट अटैक जो हुआ था अमेरिका में, जिसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था, उसकी मौत कैसे हुई थी। अब इस मौत के पीछे यूएसए ने क्या क्या तैयारियां की थी, 10 साल कैसे लग गए थे, 10 साल में करीब 10 साल लग गए थे। 9 सितंबर 2001 में ये अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, जिसमें 3,000 लोग मारे गए थे और पूरे अमेरिका में गुस्से में थे, और उनके प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ऐलान किया था कि ओसामा बिन लादेन को उसको मारना है, इन ऑर्डर दिया था। और फिर इसको अंजाम देने में करीब 10 साल लग गए थे, मई 2011 को ये उसकी मौत होती है अबोटाबाद, 61 किलोमीटर इस्लामाबाद से के दूर, उसकी एक हवेली में, 3 मंजिला हवेली में, जिसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पियर्स, और ये अंजाम दिया था यूएस नेवी सील्स ने। तो पूरी कहानी में आते हैं, ये एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जो पूरी दुनिया को हिला दिया था, जो पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका में ये पहला ये खौफनाक हादसा था। तो पहले आते 9/11 से पहले इसने ओसामा बिन लादेन ने ऐलान किया था कि 1996 और 1998 में फतवा जारी किया था कि अमेरिका के ऊपर अटैक करना है। ये ओसामा बिन लादेन का था। और फिर उसके बाद अटैक होता है 9 सितंबर 2001 में, और उसके बाद लेटर टू अमेरिका लिखते हैं ओसामा बिन लादेन। क्या क्या लेटर में क्या लिखा था, क्या मोटिव क्या है, मोटिव था वेस्टर्न, ये वजह क्या थी, वजह उन्होंने जो कहा था लेटर में कि वेस्टर्न पश्चिमी दुनिया जो अटैक कर रही है मुस्लिमों को सोमालिया में, पहला, सेकंड जो सपोर्ट रशियन एट्रोसिटी चेचनिया में जो रशियन जो एट्रोसिटी मुस्लिम के खिलाफ कर रहे हैं, इसमें भी सपोर्ट है वेस्टर्न दुनिया को का, इसे। और तीसरा था इंडिया की को सपोर्ट देना कश्मीर में मुस्लिमों की जो के खिलाफ, जो इंडिया जो दहशत कर रहा है इसके खिलाफ, इनको बदला लेना। हाँ, ज्यूइश एग्रेशन फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसमें भी वेस्टर्न वर्ल्ड की सपोर्ट है, ये 4 वजह थी। खैर जो भी है, इसके ये तो मास्टरमाइंड ये निकला था कि 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन है, तो और ये भी तय हो गया था कि उसको मारना है, उसकी मौत होनी है। तो पहले के 2001 में घटना घटी और 6 साल तक कुछ हाथ नहीं लगा, CIA और ये इनके जितने भी हैं सब ने कोशिश की, 2007 तक कुछ कोई कर, फिर साथ में जाके मालूम पड़ा कि ये ओसामा बिन लादेन या तो अफगानिस्तान या पाकिस्तान में छुपा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। तो
फिर CIA उनके पीछे लगती है, जो CIA के जो एजेंट, और उनको मालूम पड़ा कि जो कुरियर है उसामा बिन लादेन कुरियर इस्तेमाल करता है, उसके पास कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट नहीं का इस्तेमाल नहीं करता है। तो लेकिन कुरियर जैसे पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो उनका पीछा करते हैं कुरियर, लेकिन कुरियर और उसका भाई, लेकिन कोई हाथ नहीं लगता है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है वो बदलता रहता है कुरियर, यानी कि संदेह मैसेंजर कहलाता है, और इसलिए पता नहीं लग रहा था। फिर 2010 में जाके पेशावर में एक उसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी को भीड़ में देख लेती है CIA, और उसका पीछा करती है। करते करते वो पहुंचता है इस्लामाबाद से 61 किलोमीटर दूर एक 3 मंजिला मकान, जिसकी चारों ओर 17 फीट की ऊंची दीवार और चौड़ाई में 8 फीट, जैसे कोई बम से कोई उड़ा नहीं दे, इस तरह के मकान इराक में हुआ करता था। और उस हवेली में बहुत ही कम खिड़की दरवाजे, करीब ना के बराबर, और उसमें ना तो कोई टेलीफोन, ना ही कोई इंटरनेट लाइन, ना ही TV। तो इससे जो है ना, इससे इनका शक और भी पुख्ता हो गया। तो पहला नंबर ये है उस, तो CIA ने जो निगरानी की उस हवेली की, एक तो कुछ नहीं होने का, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कनेक्शन नहीं होने का, एक ये हुआ। और दूसरा जो है ना, सैटेलाइट इमेज से उनकी निगरानी में कपड़े, हर रोज़ सुबह बहुत से कपड़े सुखाने देते थे वहाँ के लोग, और उसमें कपड़ों से मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन और कई सीनियर सिटीजन औरत, एक आदमी और कई औरत, और कम से कम 9 बच्चे, कम से कम 9 वहाँ पे बच्चे शामिल हो सकते हैं उस मकान में। जबकि उस सिक्योरिटी वाला जो था, उसका सिक्योरिटी बॉडीगार्ड इब्राहिम सैयद अहमद अब्द अल हमीद, और वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, उसके फैमिली के 11 मेंबर थे। तो वो उसके कपड़े उसने उसकी फैमिली के जो मेंबर हैं उससे कुछ ज़्यादा ही थे। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि एक सीनियर आदमी और 3 सीनियर औरतें और 9 बच्चों कम से कम उस मकान में हैं, इस सिक्योरिटी वाले के अलावा, सिक्योरिटी की फैमिली के अलावा, ये हिसाब लगाया। तो दूसरा ये, उस मकान में, उस हवेली में उसामा बिन लादेन और 3 पत्नियाँ और 8 बच्चे और 4 पोते पोतियों के साथ रहते थे। खैर, इसके बाद सैटेलाइट कैमरा से भी जैसे निगरानी, जैसे जांच होती है, तफ्तीश करते हैं, तो उससे मालूम पड़ता है कि वहाँ पे एक उसामा बिन लादेन दिन में एक बार निकलता था टहलने बाहर, और उसके कद से मालूम पड़ा कि जो लंबे कद का आदमी था, दिखता था, और जिसका कद उससे मिलता था। खैर, अब फिर इसके बाद सबूत पेश किया गया, बराक ओबामा उस टाइम प्रेसिडेंट थे, तो उनसे कहा गया कि ये इसकी तस्दीक की गई, कन्फर्मेशन कि यहाँ पे उसामा बिन लादेन ही रहता है, अब कैसे उसको मारा जाए। तो ये हुआ कि क्या पाकिस्तान के साथ मिलके ऑपरेशन किया जाए, तो इसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पियर्स। तो फिर लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है उसमें कोई कुछ लोग ऐसा हो कि खबर फैल जाएगी, उसको मालूम पड़ जाएगा और वो फिर भाग निकलेगा वहाँ से।
फिर ये तय हुआ कि अमेरिका खुद अपने दम पे अटैक करेगा, तो यूएस नेवी सील्स को जिम्मेदारी दी जाती है। और फिर कहा गया कि क्या इसमें ड्रोन अटैक से उड़ा दें इसको पूरा पूरे मकान को। फिर कहा गया कि ड्रोन अटैक से अगर चूक हो जाए तो कोई आम आदमी भी मर सकता है, कि मौत हो सकती है उससे, उसकी फजीहत होगी यूएसए की। तो और उससे साबित करना कि उसमें उसामा बिन लादेन ही है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसमें लाश नहीं मिलेगी। फिर सील्स यूएसए सील को जैसे जिम्मेदारी दी जाती है, यूएसए के सील्स तीन हॉक हेलीकॉप्टर से, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से रवाना होते हैं बर्गन एयर बेस से अफगानिस्तान से, और लो कम ऊंचाई की से फ्लाई करते हैं, और ये हेलीकॉप्टर में आवाज़ भी कम होती है। जैसे वो नज़दीक आए तो कमांडो एक एक करके उतरने लगे उनकी छत पे, और तब एक हेलीकॉप्टर में ख़राबी हो गई, टेक्निकल फॉल्ट हो गई, तो वो क्रैश हो जाता है उसी के कंपाउंड में। फिर बाद में बाकी सब उतरते हैं, और उनको मालूम था कहाँ पे छुपा हुआ है, तो वहाँ पे उसामा बिन लादेन को मारते हैं, दो गोली उनको लगती है, और उस एक उनका बेटा 54 साल का उसामा बिन लादेन की मौत होती है, और उसका बेटा खालिद बिन लादेन 23 साल की उम्र, उसकी भी मौत होती है, और अबू अहमद कुवैती 33 साल का, उसे भी मौत होती है। और जगह है बिलाल टाउन अबोटाबाद खैबर पख्तून। तो ये 2 मई 2011 को, तो जैसे ही फिर इसके बाद वो लोग बॉडी लेके फौरन रवाना हो जाते हैं वहाँ से उसामा बिन लादेन की, और बॉडी की आइडेंटिफिकेशन यानी कि शनाख्त होती है अफगानिस्तान में, और उससे मालूम पड़ता है डीएनए वगैरह वो टेस्ट से मालूम पड़ता है कि वो उसामा बिन लादेन ही है, और फिर उसको दफना दिया जाता है समुंदर में 24 घंटे के अंदर, ताबूत में, मेटल ताबूत में सुराख करके उसमें डाल दिया जाता है कोई गुमनाम जगह में। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों। तो 9/11 टेररिस्ट अटैक के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन की मौत की, और जिसको अंजाम देने में 10 साल लग गए थे। इसके बाद बराक ओबामा ने जो स्पीच दिया था नेशन के नाम, देश के नाम, 8 मिनट का, ये भी बहुत ही शानदार स्पीच, सुनने लायक है। खैर जो भी है, ये थी कहानी उसामा बिन लादेन की मौत की। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।